शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। मन की बात में पीएम मोदी का ऐलान। बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से राहत के साथ चेतावनी। दुबई में रहने को लेकर माफी हुई स्वीकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिदान मोहम्मद का निधन। 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उत्तराखंड यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। कनाडा में आए तबाही का तूफान। वाटर्स के ऐतिहासिक मैदान में झूलन को मिला गॉड ऑफ ऑनर। अंग्रेजों ने खड़े होकर बचाई ताली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई के गांधी भवन में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का मंत्री नितिन अग्रवाल अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। अभी पिछले सप्ताह विधानसभा सत्र चल रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय विपक्ष को मौका दिया गया था तो अखिलेश यादव और उनके विधायक वॉकआउट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा का आयोजन हुआ है उसी आयोजन के तहत आज दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और आज तमाम हमारे जनपद के शहर के जो दिव्यांग जन हैं उनको ट्राईसाइकिल वितरण और अदर जो और भी जो उपकरण होते हैं उनका वितरण हुआ है। ये हम लोग सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिवस के अवसर के शुभ अवसर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसी कड़ी में आज यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। कितने लगातार जो है पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के और अलग उसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग से छात्र छात्राओं के शौचालय की सफाई करने का वीडियो सामने आता है। लेकिन पहली बार गाजीपुर जनपद के एक विद्यालय पर पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जब शौचालय में गंदगी देखी तब उन्होंने सफाई कर्मियों की परवाह किए बगैर खुद शौचालय की सफाई करने लगे और ब्रश उठाकर शौचालय की सफाई करने लगे और उनको सफाई करते देख वहाँ के टीचर और अन्य लोग हैरान हो गए। इस दौरान विद्यालय के एक टीचर ने भी शौचालय में बीएसएस की सफाई करने से मदद की। शौचालय की सफाई के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए खुद छात्रों के साथ बैठकर बने हुए मिड डे मील में भोजन भी किया। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यालय परिसर शिक्षक किसी के भी सहयोग से परिसर की सफाई तो कर देते हैं लेकिन जब हम बात आती है शौचालय की तो चाहे वो बदबू करते रहे तो हम केवल और केवल निर्भर होते हैं उसके लिए आरक्षित सफाई कर्मी पे, जिससे कि वहीं पे पड़ोस में कक्षाएं संचालित होती रहती हैं और वहां से बदबू आती रहती है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि हम किसी पर निर्भर न हो करके हमारे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अधिकतर विद्यालय उन्हीं क्षेत्रों में हैं। जीवन मिशन अभियान के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रही है तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी सरकार के जल जीवन मिशन को पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला सरेनी ब्लॉक परिसर से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पानी टंकी का है। ये कब से बंद पड़ी है पानी टंकी? पानी टंकी तो हमका लागत एक साल के ऊपर हो गई यार। जी तो पानी की समस्या क्या चल रही है कि पानी की और देख लो ना इधर उधर भरो और कहा पंपा भी तो नहीं है। ठीक है, पंपा भी नहीं है। पानी टंकी बंद है कि सप्लाई भी बंद है? पानी टंकी ही बंद है, बोरे भ्रष्ट है, सब कुछ हिमा खराब है। यहाँ को वही नहीं देख लो, लटका है ताला। हम अंचे थे टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे पानी से संबंधित क्या समस्या है? पानी की भैया ना हाल पूछो, कहो अब तो हम लोग नहाए ना पानी के लिए किसी के दरवाजे जाओ तो भी बल्टी लेके खेत देता है कि आप बल्टी ले जाइए, सुबह कहीं जा रहे हैं आप बल्टी लेके आ गए। भैया पानी के लिए बहुत समस्या है। तो ये पानी टंकी क्या नहीं चल रही है क्या? क्या कम से कम 1.5 साल हो गए भाई, कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग कोई सुनता नहीं है, किसी के दरवाजे जाओ तो भी। 1.5 साल किस चीज़ की हो गई? पानी बंद हुए।
कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं। और ये पानी टंकी जो सामने भी पड़ी है सरेनी की, अरे यहाँ सालन हो गया, ये पानी की परेशानी है, हम दिन का है। अच्छा, ये कब से बंद पड़ी है? लगभग कम से कम साल भर हुई है, साल ऊपर है, साल के ऊपर है। तो पानी की सप्लाई बंद है? हाँ। तो आपको क्या समस्या है इससे? अरे पानी आ जाए भैया, समस्या यह है पानी का है, पानी का। अच्छा, रायबरेली में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर नए कानून बना रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पति ने सरेआम महिला को लात घूंसों और चप्पलों से पीटा, घायल महिला का अस्पताल में इलाज कराया गया है। इस पूरे मामले की सूचना पीआरवी पुलिस को दी गई थी। ये मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के हसनगंज का गाँव का है। खबर लखीमपुर खीरी के थाना फरधान से है, जहां गांव के स्कूल के पास एक युवक अचेत अवस्था में पाया गया। जानकारी मिलने पर युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दे दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई के मुताबिक मृतक पर 13 मुकदमे चल रहे थे, इसको लेकर मृतक काफी परेशान था। अभी 2 दिन पूर्व ही धारा 151 में जमानत करवा कर आया था और कल फिर पेशी थी। घटना का बीमार रहा है, पंजा पर पड़े हैं, तो बुखार लगा हुआ है। पवन, कब मिले थे आपको? कल शाम को। कितने टाइम लगभग? 8 बजे रात में। ठीक है, फिर हालत क्या ज़्यादा खराब थी क्या? हाँ, खराब रहा। कहाँ लगे थे आप? लखीमपुर, यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से बुखार हुआ मेरा। मोतीपुर, वहाँ कितने टाइम खत्म हो गए? घंटे के अंदर करीब 11 बजे रात में। इतना ही टाइम। तो क्या कुछ झगड़ा वगड़ा होता क्या? नहीं, कोई पता चला लखीमपुर भी आए थे? झगड़ा नहीं है, तो लखीमपुर पेशी करने आए थे। अच्छा, पेशी पर आए थे, तो कल आए थे, कल सही थे। संभल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड कार्यालय गुन्नौर में जन चौपाल का आयोजन किया गया। बता दें कि लोगों को तत्वारित न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं जन चौपाल में 123 शिकायतें मिली, जिनमें से 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। देखिए, जैसे प्रत्येक जो शनिवार होता है उसमें या तो तहसील समाधान दिवस या थाना समाधान दिवस लगाने के शासन से निर्देश प्राप्त हैं। आज यहाँ पर थाना दिवस गुन्नौर में लगाया जाना है, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे खंड विकास कार्यालय में एक जन चौपाल लगाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पुरानी समस्याएं हैं, जो एक आदमी एक से अधिक बार कहीं विभिन्न स्तरों पे अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है, उसके लिए आज लोगों के बीच बैठकर यहाँ पर मैंने जन चौपाल लगाई। फरीदाबाद नगर निगम में हुआ बिना काम भुगतान घोटाला अब हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसमें त्रिपुरा के आईएएस सोनम गोयल ने याचिका दायर कर स्टेट विजिलेंस की जांच पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सोनल गोयल ने जांच में सिर्फ उनके केंद्रित करने को लेकर मुख्य सचिव हरियाणा से शिकायत की थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचते ही स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से आनन फानन में हरियाणा कैडर के 2 और आईएएस को भी पूछताछ के लिए अगले दिन बुलाया गया। यूपी के बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक के 2 छात्रों ने परीक्षा परिणाम में बैंक आने पर आत्महत्या का प्रयास। बुलंदशहर, वहीं एक इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद से गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य पर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी कराने और प्रैक्टिकल में अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। तो मैंने एग्जाम ठीक दिए थे सर, और उसके बाद भी सर मेरी 3 बैग आई हैं जी। अच्छा, 3 में बैग आई हैं आपकी? सारे बच्चों की बताओ, और किसी बच्चे की? सर प्रैक्टिकल में ज्यादातर बच्चों की एब्सेंट आई है, 4-5 एब्सेंट है प्रैक्टिकल में जो है। तो आप प्रेजेंट थे क्या? हाँ, आप प्रेजेंट थे, पर और एब्सेंट आई है, और एक दिन में 4-5 प्रैक्टिकल हो रहे हैं कॉलेज में। सर मैथ में 80 बच्चों के मैं रीचेक के लिए बोल रहा कॉलेज वाले, ना तो मैडम आ रही है इधर, ना एचओडी आ रहे हैं, उपलब्ध नहीं है इधर। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, पॉलिटेक्निक के छात्र में जहां उन्होंने प्रदर्शन किया है, एक आत्महत्या का प्रयास भी किया।
मैं आपको बता दूं, जनपद पुलिस के जहीनाबाद में जनता पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के हैं दोनों छात्र, जिन्होंने परीक्षा परिणाम के बैक आने के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी, जिसमें कि एक बच्चे का इलाज चला, एक की मौत हो चुकी है। उसको लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कॉलेज में किया है। धन्यवाद आपका विशाल। हरदोई में शाहबाद के एक विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक बच्ची खौलते पानी में चावल डालने गई तो गर्म पानी मासूम के ऊपर गिरने से वह बुरी तरह से झुलस गई। बता दें कि जिन बच्चों को स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए उनसे मिड डे मील का भोजन बनवाया जा रहा है। पूरा मामला शाहबाद विकास खंड के हासुआ प्राथमिक स्कूल का है। छात्रा आई है, लगभग उम्र उसकी 10 साल के आसपास लग रही थी, और वो पैर में और कमर मामूली सा कुछ गर्म पानी से झुलसी हुई थी। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल बर्न वार्ड रेफर कर दिया। मेरी बच्ची को अध्यापकों ने कहा कि खाना बनाओ, तो वो चावल डालने गई तो भगोना पूरा लौट गया। फिर उन्होंने कहा कि इसकी इलाज कराओ, इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रहे। किस स्कूल में पढ़ती है आप? प्राथमिक विद्यालय हसुआ। ये आपके साथ क्या हो गया? टीचर ने कहा कि जाओ चावल डाल दो। किस में? भगोने में। अच्छा, आपसे खाना बनवा रहे थे। किस क्लास में पढ़ती हो? पांच। कौन से गांव की निवासी हो? उमरिया के थाने। स्कूल किस गांव में है? हसुआ में। कानपुर में एक ऑटो ड्राइवर मसीहा बनकर सामने आया। शहर के जाजमऊ इलाके में रहने वाली महिला अपनी ससुराल वालों से आहत होकर अपने बच्चे के साथ आत्महत्या करने जा रही थी। इस दौरान ऑटो चालक की सूझबूझ से महिला और मासूम की जान बच गई। ऑटो चालक महिला को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जहाँ ADCP महिला अपराध ने पीड़ित महिला से बातचीत कर जानकारी ली और उसे न्याय का भरोसा दिलाया। ADCP का कहना है कि महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए NGO में उसकी नौकरी की बात की गई है और आरोप पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जी, मेरा नाम कैकशा है। सर, हम अब 3 महीने से बहुत परेशान हैं। हस्बैंड मेरे बम्बई में थे, वो यहाँ आ गए हैं, ना वो हमें लेके जा रहे हैं, ना हमारा खर्च उठा रहे हैं, ना बच्चे का फिक्र कर रहे हैं। हम महिला थाने गए थे किस दिन, हम परसों की बात है, महिला थाने गए थे। बारिश जिस दिन बहुत हो रही थी, महिला थाने गए थे, वहाँ हमने शिकायत करी थी, एक कंप्लेन दी थी, उससे पहले दी थी, तो उन्होंने हमको कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया था। फिर हम दोबारा गए महिला थाने में, वो हमको लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन हमने वहाँ कहा हम जाएंगे, हम ये बच्चा कब तक अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करेंगे। बदायूं के सिटी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाया गया। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा 3 की अपने मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो और तस्वीरें दिखाई। छात्रा ने अपने परिजनों को इस हरकत के बारे में बताया। वहीं परिवार वालों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर ने गंदी गंदी फोटो दिखाए थे, वो रो रही थी, उसने खाना भी नहीं खाया था। अच्छा, वो कह रही थी मेरा एडमिशन इसमें मत कराओ, स्कूल में मेरा नाम कटा दो इस स्कूल में से। मौसी, तो कब की है ये घटना? ये 15 तारीख की बात है सर। हम लोग गए थे, फिर उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी एक भी बार। आपको क्या बताया था बच्ची ने? बच्ची ने ये बताया था कि मौसी सर बहुत ख़राब है, मुझे मोबाइल में दिखाती गंदे गंदे फोटो। लखीमपुर खीरी के वन क्षेत्र मोहम्मदी के जंगल से सटे शिवपुरी के इलाके में बीती रात जंगल से निकले नेपाली हाथियों के दल ने अचानक धावा बोल दिया और किसानों की धान की फसलें बर्बाद कर दी। जानकारी के समय किसानों ने बताया कि अभी तक कोई भी वन कर्मी नहीं पहुंचा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।